वेलकम टू फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकनाथ शिंदे के बारे में। एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के एक जाने माने राजनेता हैं, जो कि अभी काफी हेडलाइंस बटोर रहे हैं। कुछ दिनों से लगातार हेडलाइंस में रहने वाले एकनाथ शिंदे ने 30 जून 2022 को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिया। शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से पहले 29 जून की देर रात को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते बहुमत होने के कारण एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से एकनाथ शिंदे के बारे में उनकी लाइफ स्टोरी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल के बेल आइकन को दबा दे, जिससे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एकनाथ शिंदे के पर्सनल डिटेल्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इनका जन्म 9 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र में हुआ था और 2022 के अनुसार यह फिलहाल 58 वर्ष के हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सतारा जिले के जवाली के रहने वाले हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे मराठी समुदाय से बिलोंग करते हैं। इन्होंने राजनीतिक में कदम रखने के बाद अपनी पढ़ाई कम्प्लीट की और ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। दोस्तों, आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा न्यू इंग्लिश स्कूल से कंप्लीट की, जहां पर इन्होंने 11th क्लास तक की पढ़ाई की थी। इसके बाद इन्होंने स्कूल छोड़कर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। लेकिन दोस्तों, वर्ष 1980 के दशक में यह बाल ठाकरे और आनंद दिघे से मिले। उसी साल आनंद दिघे ने एकनाथ शिंदे को राजनीतिक में कदम रखने में बहुत मदद की। एकनाथ शिंदे ने वर्ष 2014 में भाजपा शिवसेना सरकार में मंत्री बनने के बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी, क्योंकि उससे पहले इनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। राजनीतिक में आने के बाद ही इनके परिवार की आर्थिक स्थिति सही होने लगी, जिसके बाद इन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की थी। दोस्तों, यदि बात करें एकनाथ शिंदे के फैमिली मेम्बर्स के बारे में, तो आपको बता दें कि इनके पिता का नाम संभाजी शिंदे है। और यदि बात करें इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में, तो आपको बता दें कि इनकी पत्नी का नाम एकनाथ शिंदे है, जो कि एक बिजनेस वूमेन है। वहीं बात करें इनके बच्चों के बारे में, तो इनका एक बेटा है जिनका नाम है श्रीकांत शिंदे। दोस्तों, यदि बात करें एकनाथ शिंदे के लाइफ के सबसे दुखद समय के बारे में, तो आपको बता दें कि साल 2000 में शिंदे के पुत्र अपने गांव के पास ही झील में बोटिंग के लिए गए थे। बोट के पलटने की वजह से इनके दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद शिंदे कई महीने तक डिप्रेशन में रहे थे। फिलहाल इनका एक ही पुत्र है जिनका नाम है श्रीकांत शिंदे, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है और संसद का सदस्य भी। दोस्तों, अब बात करते हैं एकनाथ शिंदे के पॉलिटिकल कैरियर के बारे में। तो आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे में राजनीतिक में अपना पहला कदम वर्ष 1980 में रखा था। तभी से राजनीतिक में यह लगातार सक्रिय हैं। साल 1997 में एकनाथ शिंदे पहली बार ठाणे के लिए नगर निगम के पार्षद के रूप में चुने गए थे। फिर इन्होंने वर्ष 2004 में ठाणे से आगे बढ़ने का सोचा और महाराष्ट्र विधानसभा के लिए सेलेक्ट हो गए। साल 2005 में एकनाथ शिंदे पार्टी के पहले विधायक थे जिन्हें शिवसेना के ठाणे जिले के प्रमुख के प्रतिष्ठित पद के लिए चुना गया था। फिर वर्ष 2009 में वह महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए और साल 2014 से 2019 तक वह महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र सरकार के विपक्ष के नेता रहे और साल 2019 में महाराष्ट्र सरकार के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के पद पर इन्होंने काम किया। लेकिन दोस्तों, 30 जून 2022 को इन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ग्रहण की और बन गए महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। दोस्तों, यदि बात करें एकनाथ शिंदे के नेटवर्थ के बारे में, तो आपको बता दें कि इनका नेटवर्थ है करीब 50 से 60 लाख रुपए। वहीं बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में, तो इनके पास एक मर्सिडीज कार है। तो दोस्तों, यह थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में शॉर्ट लाइफ स्टोरी वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।